ये घर जनाब घुंटी वार्ड नंबर 3 ब्राह्मण घुंटी में अभी अभी गिरा है, जहाँ पे देवेंद्र शर्मा और योगराज शर्मा रहते हैं। और यहाँ पे अभी माल अंदर फंसा हुआ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं SDM ठाठरी और तहसीलदार ठाठरी से कि मौके पे आके यहाँ पे हालात का जायज़ा लिया जाए। जर्सी गाय अंदर फंसी, हमारी इनकी 2-3 गायें अंदर अभी हैं और बहुत मुश्किल हालात है अभी। हम नमस्कार, JK मीडिया देख रहे हैं आप। ये जो तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के ठाठरी इलाके की तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि ठाठरी का जो ब्राह्मण घुंटी एरिया है, वहां पर आज जो 2 मंजिला मकान गिर गया, और साफ तस्वीरों के अंदर भी दिख रहा है कि 2 मंजिला ये मकान था जो गिर गया है। जिस प्रकार से लगातार जो कल से बारिश हो रही है, तो बारिश का ही कहीं ना कहीं जो कारण बताया जा रहा है कि ज्यादा बारिश होने के कारण ये 2 मंजिला मकान जो गिर गया है। इसके अंदर कुछ माल भी थे जिनको फिलहाल जो सेफली बाहर निकाला गया है, उस समय वो अंदर फंसे थे, लेकिन उनको जो बाहर निकाला गया है, ये लोग कहीं ना कहीं जो SDM ठाठरी हैं या तहसीलदार ठाठरी हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि हमें जो मदद पहुंचाई जाए। और हमारी तरफ से भी अपील रहेगी कि इन लोगों को इस समय जो मदद की जाए, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है और इनका जो मकान इस वक्त गिर गया है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी जो फौरी तौर पर जो मदद की जाए। देखते हैं JK मीडिया, धन्यवाद। नमस्कार, JK मीडिया देख रहे हैं आप। ये जो तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के ठाठरी इलाके की तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि ठाठरी का जो ब्राह्मण घुंटी एरिया है, वहां पर आज जो 2 मंजिला मकान गिर गया, और साफ तस्वीरों के अंदर भी दिख रहा है कि 2 मंजिला ये मकान था जो गिर गया है। जिस प्रकार से लगातार जो कल से बारिश हो रही है, तो बारिश का ही कहीं ना कहीं जो कारण बताया जा रहा है कि ज्यादा बारिश होने के कारण ये 2 मंजिला मकान जो गिर गया है। इसके अंदर माल मवेशी भी थे जिनको फिलहाल जो सेफली बाहर निकाला गया है, उस समय वो अंदर फंसे थे, लेकिन उनको जो बाहर निकाला गया है, ये लोग कहीं ना कहीं जो SDM ठाठरी हैं या तहसीलदार ठाठरी हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि हमें जो मदद पहुंचाई जाए। और हमारी तरफ से भी अपील रहेगी कि इन लोगों को इस समय जो मदद की जाए, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है और इनका जो मकान इस वक्त गिर गया है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी जो फौरी तौर पर जो मदद की जाए। अब देखते हैं JK मीडिया, धन्यवाद।